स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सम ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कल देखा था हमने सम ऑफ मैट्रिसेस, तो उन्हीं उसी टॉपिक पे डिपेंड कुछ और भी क्वेश्चंस आज के इस क्लास में स्टार्ट करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। पहले आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड 3a-b। यहाँ 3a-b फाइंड करने के लिए कहा गया है, जहाँ a और b दो मैट्रिक्स है। यहाँ दिया भी है वेयर a इक्वल्स टू, a की वैल्यू दी है यहाँ 0, 2, 3, 2, 1, 4 और b की भी वैल्यू दी है हमें, b इक्वल्स टू दिया है 7, 6, 3, 1, 4, 5 और यहाँ हमें 3a-b फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स को लिख देना है। यहाँ लिखेंगे जो गिवन है हमें, उन्हें लिख देंगे गिवन दैट। यहाँ क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है जिसकी फर्स्ट रो है 0, 2, 3, सेकेंड रो में है 2, 1, 4 और इसी प्रकार b की भी वैल्यू दी गई है हमें, b की फर्स्ट रो है 7, 6, 3 और b की सेकेंड रो में है 1, 4, 5, ये गिवन है हमें। और हमें 3a-b की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसी को लेके चलेंगे। यहाँ 3a-b लेके चलेंगे, इस 3 को जैसे का वैसा लिख देंगे हम और a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे। a की ये वैल्यू है, ये मैट्रिक्स a लिखेंगे a की जगह पे 0, 2, 3, 2, 1, 4 फिर ये माइनस लगाएंगे और इसके बाद b की वैल्यू लिखेंगे। देखो b की वैल्यू क्या है अपने पास, 7, 6, 3, 1, 4, 5। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद हमें यह देखना है कि क्या किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट है। अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट है तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बाहर के उस एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम बाहर के किसी एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से होता है। जैसे हम इस 3 का मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 0 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और इस 3 का मल्टीप्लाई 2, 1, 4 से भी होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 मिलेगा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पर 3 और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 12। फिर ये माइनस लगाते हैं और इस मैट्रिक्स को हम फिर से जैसे का वैसा रखेंगे, ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी फिर से। इसके बाद हम इन दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। इसके लिए करना क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स का डिफरेंस हमें लिखना है तो डिफरेंस लिखते समय हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में 0 है तो इस मैट्रिक्स में 0 की जगह 7 है, तो हम सबसे पहले 0 और 7 का डिफरेंस लिखेंगे। यहाँ 0 फिर ये माइनस लगाएंगे और उसके बाद ये 7 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे सेकेंड मैट्रिक्स में, ये माइनस लगाएंगे और सेकेंड मैट्रिक्स में 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6। उसके बाद ये 9 लिखेंगे, फिर ये माइनस लगाएंगे और 9 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3, तो यहाँ माइनस के बाद 3 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट रो के एलिमेंट देखते हैं, ये 6 लिखेंगे, फिर ये माइनस और फिर उसके बाद ये 1, ये 3 लिखेंगे, फिर ये माइनस लगाएंगे
और 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर ये 10 लिखेंगे, फिर ये माइनस लगाएंगे और यहाँ 10 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, 10 माइनस 5। सेम पोजिशन वाले एलिमेंट का यहाँ पर डिफरेंस लिखना होता है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन लिखते समय सेम पोजिशन वाले एलिमेंट का डिफरेंस लिखना होता है। फिर उसके बाद हम रिजल्टिंग मैट्रिक्स लिख देंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद यहाँ रिजल्टिंग मैट्रिक्स लिखेंगे, मतलब इसका रिजल्ट लिखेंगे, 0 -7 -7, 6 - 6 0 होगा, 9 - 3 6, 6 - 1 5, 3 - 4 - 1 और ये 12 - 5 ये हो जाएगा 7 और ये अपना आंसर। तो स्टूडेंट ध्यान में रहेगा, सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट आया है तो उस एलिमेंट का हमें मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है, और उस एलिमेंट का मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते समय मल्टीप्लाई एलिमेंट का मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ होगा। इसका जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो इस 3 का हमने मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमें ये वाला मैट्रिक्स मिला, फिर हमने दोनों का यहाँ डिफरेंस लिखा, फिर डिफरेंस का रिजल्ट लिख दिया यहाँ, ये अपना आंसर है। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू 1 - 1 4 3 8 9 then find the value of matrix X here X plus A equals to 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, जिसमें हमें A की वैल्यू दी है और हमें इस मैट्रिक्स X की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है, इसके लिए हमें ये मैट्रिक्स इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए जो गिवन है उसे लिख देंगे हम, हमें किसकी वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम गिवन दैट A इक्वल्स टू, यहाँ A की वैल्यू लिखेंगे हम, क्या है A की वैल्यू, फर्स्ट रो 1 - 1 4, सेकेंड रो के एलिमेंट है 3 8 9 एंड क्या दिया है हमें, ये इक्वेशन दिया है मैट्रिक्स इक्वेशन X प्लस A इक्वल्स टू O। ये जो O है ये जीरो मैट्रिक्स होता है, कल बताया था जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं इसको, इसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ये नल मैट्रिक्स है इसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो यहाँ O की जगह हम जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे। X की वैल्यू फाइंड करना है इसलिए हम X को जैसे का वैसा लिख देंगे, फिर प्लस A की जगह A की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू है अपने पास 1 - 1 4, सेकेंड रो में 3 8 9, फिर राइट हैंड साइड में O के जगह O की वैल्यू, O जीरो मैट्रिक्स है मतलब इसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो गए, तो हम O के सभी एलिमेंट्स जीरो लिखेंगे, मतलब O के जगह एक जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे। ध्यान रहे O को हमें उतने ही ऑर्डर का लेना है जितने ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स A दिया है, मैट्रिक्स A 2x3 ऑर्डर का है इसलिए नल मैट्रिक्स O को भी हम 2x3 ऑर्डर का लेंगे। इसके बाद हम इस X को यही रहने देते हैं, राइट हैंड साइड का ये मैट्रिक्स लिखते हैं 0 0 0 0 0, फिर हम इस मैट्रिक्स को उस साइड में लेके जा रहे हैं
जब इस मैट्रिक्स को उधर ट्रांसफर करेंगे, इधर ये प्लस में लिखा है, उधर ट्रांसफर करने पर माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस ये मैट्रिक्स लिखेंगे 1-1 4 3 8 9। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस लिखेंगे, जिससे हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। डिफरेंस लिखते समय फिर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस, इसके तो सभी एलिमेंट्स जीरो है, ये 0-1 लिखेंगे सबसे पहले यहाँ हम, फिर 0-1, उसके बाद 0-4। नेक्स्ट रो में देखते हैं 0-3 लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस लिखना है 0-8, 0-9। यहां से x की वैल्यू लिखेंगे हम -1, ये -1 +1, ये -4, ये -3, -8 और ये -9। ये x की वैल्यू हमें मिल गई जिसे हमें फाइंड करना था। इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स में अननोन वेरिएबल, मैट्रिक्स में अननोन मैट्रिक्स को फाइंड करने की ये मेथड यूज करना होता है। यहाँ ध्यान में रहे, जिस अननोन मैट्रिक्स को हमें फाइंड करना है उसको हम इस साइड में रहने देंगे और बाकी जो नॉन मैट्रिक्स है उसको एक साइड में लाएंगे, और फिर हम एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके अननोन मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें हमें कहा गया है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, हमें मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। इफ यहां एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है a+2b+x=o, ये o है, o मतलब जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, वेयर यहाँ a की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू है 2-1 3 5, और b की वैल्यू दी गई है -1 1 0 2, और हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हम सॉल्व में, हम यहां लिखेंगे गिवन दैट करके, a की वैल्यू लिख देते हैं 2-1 3 5, एंड b की वैल्यू लिखते हैं -1 1 0 2। साथ में ये इक्वेशन लिखते हैं जो दिया है, आल्सो गिवन दैट, हमें और क्या दिया है a+2b+x=o, ये इक्वेशन दिया है, और हमें इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर जितनी वैल्यू हमारे पास यहाँ है उन वैल्यूज को यहाँ पुटअप करेंगे, a के जगह a की वैल्यू रखेंगे। देखो a की वैल्यू कितनी है अपने पास 2-1 3 5, हमने a के जगह पे a की वैल्यू रख दिया, उसके बाद ये प्लस लिखते हैं, फिर ये 2 लिखेंगे और उसके बाद b की वैल्यू रखते हैं, ये b की वैल्यू है -1 1 0 2। इसके बाद हम ये प्लस लिखेंगे और ये x की वैल्यू लिखते, x को जैसे का वैसा लिखेंगे क्योंकि x को ही फाइंड करना है हमें, x की कोई वैल्यू अपने पास नहीं है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। फिर इक्वल टू के बाद यहाँ नल मैट्रिक्स o की वैल्यू लिखते हैं, o नल मैट्रिक्स है मतलब इसके सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे,
तो हम जीरो एलिमेंट्स वाला एक मैट्रिक्स लिखेंगे ओ के जगह पे, जीरो 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 जीरो। ओ नल मैट्रिक्स होता है, इसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। इसके बाद इस इक्वेशन में हम देखो क्या करेंगे, ये फर्स्ट मैट्रिक्स जैसे का वैसा रहेगा। हमें यहां ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट लिखा है। अगर किसी मैट्रिक्स के इनटू में कोई एलिमेंट लिखा है तो सबसे पहले उस नंबर का हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस मैट्रिक्स के बाहर 2 लिखा है तो हम इस 2 का सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से होगा। 2 का मल्टीप्लाई इस -1 से भी होगा, 1 से भी होगा, 0 से भी होगा, 2 से भी होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो ये प्लस लिखेंगे और 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हमें -2 मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं 2 मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 मिलेगा। फिर ये प्लस लिखते हैं एक्स और फिर उसके बाद ये राइट हैंड साइड का जीरो मैट्रिक्स लिख देते हैं, 0 0 0 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्स को यही रहने देते हैं और इन दोनों मैट्रिक्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे हम। पहले तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ ये जीरो मैट्रिक्स लिख देते हैं, उसके बाद माइनस लगा के ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ये मैट्रिक्स इधर प्लस में लिखा गया है, जब उधर जाएगा तो माइनस में लिखा जाएगा। हाँ किसी को कहां पर, यहाँ यहाँ ना, हाँ 2 × 2 यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 × 2 4 ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को उधर ट्रांसफर करना है। इधर ये मैट्रिक्स प्लस में लिखी है, उधर जब ट्रांसफर होगी तो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। तो ये लिख दिया हमने माइनस, अब ये वाला मैट्रिक्स लिखते हैं 2 − 1 − 3 − 5। उसके बाद इस मैट्रिक्स को भी उधर लिखते हैं, इधर प्लस में लिखा है इधर माइनस में लिखा जाएगा, माइनस −2 − 2 − 0 − 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये एक्स लिख दिए। अब हमें यहाँ पर इन मैट्रिक्स का डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस लिखते समय हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस लिखेंगे, मतलब सेम प्लेस वाले एलिमेंट्स का डिफरेंस। ये वाला एलिमेंट लिखेंगे 0, उसके बाद ये साइन उठाएंगे माइनस, इस माइनस साइन को लिखेंगे, फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ क्या है 2, तो इस 2 को लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ये माइनस साइन लिखेंगे, फिर ये −2 लिखेंगे। सेम प्लेस वाले एलिमेंट का डिफरेंस लिखना है 0 − 2 − −2। फिर उसके बाद ये 0 लिखते हैं, फिर ये माइनस, फिर ये −1, उसके बाद ये माइनस और ये 2। सेम प्लेस वाले एलिमेंट, जैसे देखो ये 0 है, 0 के जगह पे सेकंड मैट्रिक्स में −1 है और थर्ड में 2 है, तो हमने 0 लिखा, फिर ये माइनस के साथ −1, फिर माइनस के साथ 2 लिखा। अब हम नेक्स्ट रो में आते हैं, नेक्स्ट रो के पहले एलिमेंट को देखेंगे, ये 0 लिखेंगे, फिर ये माइनस, फिर ये 3 लिख देंगे, फिर ये माइनस और ये 0। फिर सेकेंड एलिमेंट देखते हैं 0, फिर माइनस, 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर 5 है, फिर ये माइनस और ये 4। इसके बाद यहाँ पर हमें फाइनल स्टेप मिलेगी जिसमें x की वैल्यू मिलेगी। देखो x की वैल्यू क्या होगी, ये −2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, −2 + 2 = 0। ये +1 − 2, ये +1 होगा, माइनस माइनस +1 − 2, +1 − 2 − 1, ये −3,
और ये कितना होगा -9, ये आंसर होगा। इस प्रकार से सॉल्व करना होता है हमें। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिया है हमें 0, 3, 1, सॉरी 2, 3, 1 है, 2, 3, 1, 0, -1, 5 एंड बी की वैल्यू दी गई है, सेकेंड मैट्रिक्स बी है और बी की वैल्यू दी है 1, 2, -1, 0, -1, 3 और इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें 2a-3b की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलो ध्यान दो सब लोग, 2a-3b की वैल्यू फाइंड करना है तो हम प्रोसेस में सबसे पहले मैनुअल प्रोसेस अपनी जो होती है उसको लिखेंगे। दी गई मैट्रिक्स लिख देते हैं, गिवन दैट a इक्वल्स टू लिखेंगे 2, 3, 1, 0, -1, 5 एंड b इक्वल्स टू लिख देते हैं 1, 2, -1, 0, -1, 3। इसके बाद ये जो हमें डेरिवेशन फाइंड करना है उसको लेके चलते हैं। 2a-3b को लेके चलते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ 2 जैसे का वैसा लिखा जाएगा, a के जगह a की वैल्यू लिख देंगे, a की वैल्यू है 2, 3, 1, 0, -1, 5। फिर ये -3 जैसे का वैसा लिखेंगे और b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, -1, 0, -1, 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ध्यान रखना है कि अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है तो सबसे पहले हम उस नंबर का मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस मैट्रिक्स के बाहर 2 है तो हम 2 का मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाहर 3 है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स के बाहर के किसी एलिमेंट का जब मैट्रिक्स के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यह मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से करना होता है। मतलब 2 का मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 का -2 से 2 का -1 से मल्टीप्लाई -2 और 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करने से मिलेगा हमें 3, 6, -3, 0, -3, 9। ध्यान रहे यहाँ पर हमने इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया है, सिर्फ नंबर 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया है, माइनस को जहां के वहां रखा है हमने, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पर डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस लिखते समय दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते समय हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस लिखते समय हम 4-3 लिखेंगे क्योंकि 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 4, फिर ये माइनस और उसके बाद 3, उसके बाद ये 6 लिखेंगे। और बताओ 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है सेकेंड मैट्रिक्स में, 6 में से क्या माइनस करेंगे 6, फिर ये 2 लिखेंगे और इस 2 में से क्या माइनस होगा, 2 में से -3 को माइनस करेंगे, ये 2 फिर ये माइनस और ये -3। फिर नेक्स्ट रो में आते हैं, ये 0 लिख दिए हमने, फिर ये माइनस और इस 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 ही है तो यहाँ 0 आएगा, फिर ये -2 लिखेंगे, फिर ये माइनस और यहाँ ये -3, फिर ये 10, फिर ये माइनस और 10 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9, ये 9 लिखेंगे।
इसके बाद हम फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाते हैं और उसके बाद इसका रिजल्ट लिख देते हैं। 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 5, 2 माइनस माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 2 5, ये 0 माइनस 0 0, -2 और ये -3 होगा, -2 प्लस 3 1, 10 माइनस 9 1, और ये अपना आंसर होगा।